भाई अपने टाइगर भैया ने ये प्रूफ कर ही दिया है कि इंडस्ट्री के सबसे बेकार एक्टर यही है। भाई टाइगर भैया के साथ चाहे 100 करोड़ की फिल्म बना लो, चाहे 200 करोड़, चाहे 300 करोड़, वह फिल्म तो घटिया ही बननी है। अब भाई आप टाइगर श्रॉफ की चाहे हीरोपंती देख लो या हीरोपंती 2 या बागी देख लो, बागी 2 या 3, अगर आप लोगों ने गौर किया होगा तो इन सब फिल्मों के सिर्फ नाम ही अलग है दोस्तों। लेकिन एक चीज जो इन सब फिल्मों में सेम टू सेम है वो ये है कि टाइगर श्रॉफ की फिजूल की ओवर एक्टिंग और सिर्फ स्टंट और स्टंट। अब टाइगर श्रॉफ की गणपत फिल्म के टीजर को देखकर तो यही सोचा था कि टाइगर भैया अब अच्छे एक्टर बन गए हैं, लेकिन नहीं भाई, कुत्ते की पूंछ कभी सीधी हो सकती है क्या? भाई टाइगर के फैंस तो यही सोचते रहते हैं कि टाइगर श्रॉफ की अब अच्छी फिल्म आएगी, अब अच्छी फिल्म आएगी, लेकिन नहीं, टाइगर ने तो सोच कर रखा है कि फैंस को तो मैं कभी सैटिस्फाई नहीं करूंगा। अब जैसे कि गणपत फिल्म रिलीज हो गई है और उससे देखने के बाद भाई मैं तो यही कहूंगी कि टाइगर भैया की फिल्म अब तो मैं कभी भी दोबारा नहीं देखने वाली, चाहे मुझे कोई उल्टे पैसे ही क्यों ना दे दे। और तो और आज का सबसे बड़ा मजाक ये है दोस्तों कि सुनने में आ रहा है गणपत 2 भी आ रही है दोस्तों। तो भाई आप लोग बताओ, आपने गणपत मूवी देख ली है या नहीं? आप लोगों को मूवी कैसी लगी कमेंट में उसका रिव्यू जरूर से लिखिएगा। और हाँ, यहाँ तक आ गए तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना यार, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में।